लॉकडाउन के दौरान कार्य और धंधा छोड़कर नौकरी को छोड़कर मारवाड़ गुड़वाड़ क्षेत्र में अपने गांव पहुंचे प्रवासी लोगों के लिए मनरेगा योजना रोजगार का आसरा बनेगी। पाली के सुमेरपुर ब्लॉक में क्वारंटीन का समय पूरा कर चुके 187 प्रवासियों के मांग के अनुसार मनरेगा में रोजगार उपलब्ध होने करवाया गया है। गौरतलब है कि उपखंड में 19,311 प्रवासी पहुंच गए हैं। इसमें से 4,179 व्यक्तियों ने एकांतवास के 14 दिन पूरे कर लिए तो वहीं 14,332 लोग अभी भी होम क्वारंटीन हैं, जिन्हें एकांतवास के बाद में मांग के अनुसार मनरेगा में रोजगार दिया जा रहा है। 20 मई तक पूरे उपखंड में 6,878 लोगों को मनरेगा में कार्य दिया गया तो वहीं विकास अधिकारी ने इस पर बताया कि राज्य सरकार की मंशानुसार प्रवासी श्रमिकों की मांग के अनुसार रोजगार उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए इसी खबर पर अधिक विस्तृत चर्चा के लिए नारायण सिंह राजपुरोहित विकास अधिकारी पंचायत सुमेरपुर से मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नारायण जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है एवन टीवी में। जी, धन्यवाद सर। आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से कोविड-19 के चलते जहां लोगों ने अपनी नौकरियों को गंवा दिया तो वहीं पर मनरेगा में हमें उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें नौकरियों का आपने प्रबंध किया है, तो विस्तृत जानकारी चाहूंगी किस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी रही। जी, वर्तमान इस कोरोना लॉकडाउन के जो दरमियान जो है नरेगा योजना जो लोगों के लिए एक वास्तव में एक जीवन दायनी औषधि बनकर के एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना बनकर के सामने आई है। जहाँ इस समय अधिकांश लोगों के रोजगार छिन गए हैं, अधिकांश जो लोग जो मजदूर वगैरह थे, जो बाहर प्रवासी थे, विशेष से हमारे इस एरिया में पश्चिमी राजस्थान में विशेष से हमारी समिति में जो है प्रवासी बहुत ज्यादा थे। अब तक 20,000 जो प्रवासी जो है वो वापिस लौट चुके हैं हमारे यहाँ, तो वो लोग अब जो है नरेगा में रोजगार की डिमांड कर रहे हैं, तो हम लोग एक स्ट्रेटजी बना करके उन लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। जी नारायण जी, एक और सवाल मेरा रहेगा, कितने लोगों को अभी तक मनरेगा के तहत तो आपने जो रोजगार है वो मुहैया करा दिया है और आगे कितने लोगों की यहाँ पर सूची बनाई गई है जिन्हें रोजगार आने वाले दिनों में यहाँ पर दिया जाने वाला है? जी, अभी तक हमारे यहाँ लगभग 4,000 लोगों ने अप्लाई किया है, डिमांड की है कि हम लोगों को नरेगा में जॉब चाहिए जो बाहर से आए थे। लेकिन अभी एक सरकार की एक जो हमारे जो रूल है कि जो बाहर से आ रहे अदर स्टेट से उनको 14 दिन जो है होम क्वारंटाइन में हम लोग रख रहे हैं, तो 14 दिन तक तो हम उनको नरेगा में नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पर काफी लोग भीड़ वगैरह इकट्ठी सब लोग मिलकर के काम करते हैं, तो 14 दिन जैसे ही पूरे होते हैं आने वाले प्रवासियों के उसके बाद हम उनको तुरंत ही नरेगा में उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में काम पेंशन है, हमारे पास लेबर लगाने के लिए बजट है, तो जैसे ही वो लोग 14 दिन पूरे करते हैं तो हम लोग उनको बिना किसी व्यवधान के बिना किसी देरी के उनको तुरंत ही हम जॉब दे रहे हैं। पर डे वर्तमान में नरेगा में 220 रुपए जो लेबर है तो हम उनको प्रतिदिन की 220 रुपए मजदूरी के माध्यम से उनको रोजगार दे रहे हैं लोगों। जी नारायण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर एक बार अदा करना चाहूंगी जिस प्रकार से आपकी पूरी टीम यहाँ पर कार्य कर रही है और उन लोगों को जो कि अभी मुसीबत में है और अभी आर्थिक रूप से तंगी को झेल रहे थे उनके लिए मनरेगा में उनकी इच्छानुसार यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं।